हिमालय की गोद में बसा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख विकास की इस होड़ में सच में कहीं पीछे छूट गया था। पुरानी सरकारों के भेदभाव की वजह से 2014 से पहले जिस स्तर पर लद्दाख का विकास होना चाहिए था, उस गति से लद्दाख का विकास नहीं हो पाया और यही कारण है कि विकास की इस दौड़ में लद्दाख जो है पीछे छूट गया। बस इतना समझिए कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठान लिया कि लद्दाख क्षेत्र का समग्र विकास करना है और यही कारण है कि लद्दाख के विकास के लिए 21,441 करोड़ रुपए की लागत से 9 परियोजनाओं की नींव रखी गई और इतना करने के बाद, इतना परियोजनाओं की सौगात देने के बाद भी लद्दाख क्षेत्र का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे। इसके बाद समय बदला, वक्त बदला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलवाया और लद्दाख के नागरिकों के जीवन में जो है खुशियां लाने का प्रयास किया। और जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला तो लद्दाख के नागरिकों के चेहरे पर एक अलग खुशी आ गई। केंद्र सरकार ने लद्दाख के विकास के लिए बजट में बढ़ोतरी की और यही कारण है कि प्रतिवर्ष 5,958 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और पर्यटक आ सके, इसीलिए राजमार्गों को एक साथ जोड़ा गया, हेलीपैड बनाए गए, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के ऊपर ध्यान दिया गया और जाहिर सी बात है कि पर्यटक अगर किसी राज्य में आएंगे तो वहां रोजगार बढ़ेगा। लद्दाख में टूरिस्ट और टूरिज्म का विशेष ध्यान देते हुए 10 टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया गया। टूरिस्ट और पर्वतारोहियों के लिए 5 नए ट्रैकिंग रोड भी खोले गए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या जो है टूरिस्टों को ना आए और उनके लिए जो है तमाम प्रकार की सुविधा जो है वो मुहैया करवाई गई। लद्दाख में सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी और उस बिजली की समस्या से निपटने के लिए 1310 करोड़ रुपए की लागत वाली इंट्रा स्टेट 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन की जो है वो मंजूरी दी गई और यही कारण है कि लद्दाख में ऊर्जा आपूर्ति की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो या मिनी हाइड्रो परियोजना हो या सौर ऊर्जा परियोजना हो या पन बिजली परियोजना हो। और यही कारण है कि भारत की सबसे बड़ी 7500 मेगावाट वाली सौर बिजली परियोजना की शुरुआत लद्दाख में ही की गई। लद्दाख के विद्यालयों के कायाकल्प के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस को स्थापित किया गया। लद्दाख वासियों की बरसों पुरानी मांग थी विश्वविद्यालय की और उसको भी मंजूरी दी गई और यही कारण है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना की मंजूरी देकर लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का प्रयास किया गया। लद्दाख में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। ले और कारगिल के क्षेत्र में जो है वो अस्पताल का निर्माण किया गया, वहीं पर वयस्क के लिए आईसीयू वार्ड बनाया गया, दूसरी तरफ बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड बनाया गया, ऑक्सीजन वाले बेडों का जो है वहां पर कायाकल्प किया गया, ऑक्सीजन वाले बेडों की मात्रा बढ़ाई गई, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लद्दाख में एक नया कीर्तिमान स्थापित तो किया गया, साथ में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वहां पर समग्र विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाओं पर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। लद्दाख के संपूर्ण विकास के लिए सिडको की स्थापना की गई है। दूसरी तरफ लेह में 1000 मैट्रिक टन वाले कोल्ड स्टोर का निर्माण किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख का समग्र विकास हो, चौतरफा विकास हो, इसलिए लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना की भी शुरुआत कर दी गई है और इससे जो है लद्दाख का चौतरफा यानी चौमुखी विकास होगा। मित्रों, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लद्दाख में पहले वेंटीग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया जिससे अत्यंत ठंड के मौसम में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2019 के बाद लद्दाख एक नई गाथा लिख रहा है, विकास की एक नई परिभाषा लिख रहा है और विकास की इस परिभाषा को लिखते हुए आज के दिन लद्दाख अपने सुनहरे भविष्य की परिकल्पना कर रहा है। लद्दाख का सुनहरा भविष्य जो है वो आने वाले समय में बेहतर है और विश्व पटल पर लद्दाख जो है अपने टूरिस्ट क्षेत्र और टूरिज्म को लेकर आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के दूरदृष्टि विजन की वजह से लद्दाख को एक नई पहचान मिलेगी और 2019 के बाद लद्दाख में तो लगभग सब कुछ, मानो ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।